टीम पर हमले का मामला इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मंशा बम और उसके तीन बेटों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान नूर से। जी नुमान, दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जो है वो एलडीए की टीम पर हमला केस की समाप्त हुई है। अदालत ने जो है वो मंशा बम समेत उसके तीन बेटों के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। अदालत ने थाना जोन टाउन पुलिस को हुक्म दिया है कि मंशा बम को उसके बेटों समेत गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। उनमें जो है वो मंशा बम, फैसल मंशा, तारक मंशा और आसिम मंशा के जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मुकदमा नंबर 198/18 जो है वो थाना जोर टाउन में दर्ज है और इसी मुकदमे में जो है इनके अदालत ने इनको तलब किया हुआ था, लेकिन ये अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने जो है इनके नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। सादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत नंबर 4 के जज अब्दुल कयूम खान ने केस पर समाप्त की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि उनको तलबी के जो है वो अदालत की जानिब से समन भी जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने धारे भरनी करते हुए मोहम्मद मंशा बम, फैसल मंशा, तारक मंशा और आसिम मंशा के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। शुक्रिया नमान, अपडेट किया आपने।